गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 9 जुलाई, शाम के बज रहे हैं 7:30। हम कर रहे हैं वीकेंड स्टडी, जिसमें इस पूरे वीक के दौरान कोई गिफ्ट शेयर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टडीज़ होंगी। और स्टडीज़ में आपके लिए लेकर आएंगे सबसे बेहतरीन वीडियोज़, साथ ही कुछ केस स्टडीज़। और वीक के बाद नेक्स्ट वीक में आपको देंगे अच्छे गिफ्ट शेयर। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट्स अगर ये वीडियोस आपको आ रहे हैं पसंद किसी भी तरह से, या फिर ये वीडियोस आपके पोर्टफोलियो बनाने में आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं तो। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स स्क्रीन पर आ रहे इस टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। सिर्फ एक शर्त है फ्रेंड्स कि शेयर अकेडमी का मकसद शेयर्स को थॉरली एनालाइज करना है, फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर। हम शेयर्स में स्पेकुलेशंस नहीं करते। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं और इस संबंध में आप किसी तरह की मदद करना चाहते हैं तो शेयर एकेडमी इस संबंध में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाउएवर, हम इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए स्टडी करते हैं और कभी कभार इसकी नॉलेज शेयर करते हैं। हम यहाँ पर शेयर्स को थॉरली एनालाइज करने के बाद लंबे समय के लिए खरीद की सलाह देते हैं, मिनिमम पोजिशंस निफ्टी के अकॉर्डिंग वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम पोजिशंस एक साल के लिए या फिर उससे भी लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स खरीदने की सलाह देते हैं। फ्रेंड्स आज का ये सेशन बेहद खास है और सेशन है जो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज़ है, जिसे आप सबके द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। इस लर्न टू अर्न सीरीज़ में हमने उन्हें जो कुछ भी सिखाया, इसी सीरीज़ के टोटल 17 वीडियोज़ हो गए हैं, जिनमें हम आपको हर एक सेशन के अंदर कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। आज उसी सेशन का अगला वीडियो है, जो कि है वीडियो नंबर 18, और टॉपिक बेहद स्पेशल है, और वो है कि शेयर में जो सडन मूव्स आते हैं कभी कभार, इन मूव्स के बाद में आपको क्या करना चाहिए। आमतौर पर आप कई बार देखते हैं कि किसी शेयर को आप लगातार ट्रैक करते रहते हैं, खरीदने के बारे में सोचते हैं और अचानक किसी एक दिन शेयर के अंदर 10-15% का मूवमेंट आ जाता है। तो ऐसे मूवमेंट्स बेसिकली शेयर के अंदर क्यों आते हैं, एक, और दूसरा, इन मूवमेंट्स के बाद एक रिटेल निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, आज के इस सेशन में हम यही जानेंगे। फ्रेंड्स आप में से वो लोग जो हमारी लाइव सेशन से रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने पिछले लाइव सेशन में दे चुके हैं। यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें। ओके, इस पूरी डिटेल एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन को हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, वो है शेयर खान का ट्रेड टाइगर। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। आप में से वो लोग जो अपनी कॉल्स खुद जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया है, यूज़र फ्रेंडली है इसका प्लेटफॉर्म। और हम ये मानकर चल रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, और अगर ऐसा नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा सजेशन है कि इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इससे पहले के लर्न टू अर्न सीरीज़ के सारे वीडियोस रेगुलरली देखिए, एक सीरियल नंबर 1 से शुरू होकर यहाँ तक, तभी आपकी समझ में आएगा कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा, पहले इस चार्ट को हम पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। जिस टाइप ऑफ चार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, यह है कैंडलस्टिक चार्ट, और वो भी डेली कैंडलस्टिक, यानी एक कैंडल जो है ये एक दिन के मूवमेंट को दर्शा रही है। सेकंड चीज जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो है वॉल्यूम। इस एनालिसिस में बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट और इसके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना है, सिर्फ इन दो चीज़ों से आप ये सीख जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि शेयर्स के अंदर आने वाला ये सडन मूव आखिर क्यों आता है, तो इसके लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर शेयर मूव कैसे करता है। तो आपको पता है कि शेयर में एक बिकवाली करने वाला और एक खरीदारी करने वाला, दो तरह के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। सो किसी भी शेयर का रेट बढ़ता है जब कोई एक बिकवाली करने वाला जो शेयर बेच रहा है वो हायर रेट की मांग करता है किसी भी शेयर के बारे में। तो होता यह है आमतौर पर फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर जितने फ्री फ्लोट शेयर हैं, जितने शेयर्स अवेलेबल हैं, शेयर के कंसोलिडेशन जोन के समय, जब शेयर किसी भी तरफ मूव नहीं कर रहा हो और लगातार कंसोलिडेट हो रहा हो एक जगह पर, तब असल में जो खरीदारी करने वाले हैं वो शेयर को धीरे 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 करके खरीदारी करते रहते हैं और अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते रहते हैं। जब मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट करने वाले शेयर्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तब किसी एक दिन जब कोई बड़ी डिमांड रखता है और ज़्यादा शेयर्स खरीदने की कोशिश करता है, तब बेचने वाले लोगों को पता चलता है कि मार्केट के अंदर तो फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल ही नहीं है। तो वो कहते हैं अचानक से कि भाई अभी तक जिस रेट पर शेयर बिक रहे थे ना, जैसे कि 365 पर, तो मैं 365 पर शेयर नहीं बेचूंगा, अब मैं शेयर बेचूंगा 405 रुपये पर। और खरीदने वाला कहता है ठीक है, मैं इसे 405 पर भी खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में और शेयर अवेलेबल ही नहीं है। जैसे ही वो 405 पर ये शेयर खरीदता है, अचानक से आपको एक लंबी कैंडल दिखती है और मार्केट के अंदर सभी लोगों को पता चलता है कि अरे इस शेयर की तो सप्लाई खत्म हो गई है, और इस वजह से आपको मार्केट के अंदर अचानक से ये 10% का या 15% का अप ट्रेंड दिखाई देता है। यानी मार्केट में अवेलेबल जो शेयर्स हैं वो अचानक से खत्म हो जाए फ्री फ्लोट शेयर्स, और कोई आदमी अचानक से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर ले,
तब इस तरह के अप ट्रेंड्स आपको अचानक होने वाले ये अप ट्रेंड्स मार्केट के अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन, इन अप ट्रेंड्स को अगर मिल जाते हैं मार्केट के अंदर आपको ऐसे अप ट्रेंड, तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए एक रिटेल निवेशक के तौर पर? क्यों, मोमेंटम तो चला गया, हेक्सावेयर जैसा शेयर था, 15% अप हो गया, अब इसके बाद क्या करना है इस शेयर के अंदर? तो इसका जवाब दो अलग अलग एंसर्स के रूप में दिया जाता है। एक, उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके पास में ये शेयर पहले से मौजूद है, यानी हेक्सावेयर आपको याद होगा जब इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर था तब हमने हेक्सावेयर बाई करने के लिए बोला था। एक, जिन लोगों के पास ये शेयर है उन्हें क्या करना चाहिए, और दूसरा, जिनके पास ये शेयर नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स की बात कर रहे हैं, हम फंडामेंटली वीक शेयर्स की बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहला, जिस भी रिटेल निवेशक के पास में इनमें से कोई भी शेयर अगर अवेलेबल है उसके पोर्टफोलियो में और शेयर किसी एक दिन सडन मूव देता है और शेयर तकरीबन 10-15% अप ट्रेंड आ जाता है एक ही दिन के अंदर, तो सबसे पहला काम है आपका कि रेगुलर प्रॉफिट बुक करना। इस नियम को हमेशा ध्यान रखिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो में से जितने भी शेयर्स आपके पास हैं उसमें से तकरीबन 70-80% के शेयर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसकी वजह आपको इसी वीडियो के डिटेल एनालिसिस में पता चलेगी। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी शेयर में आपको 8-10% का सडन मूव मिलता है तो उसी दिन हाईएस्ट लेवल के पास में कम से कम 70-80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी के शेयर्स अपने अकाउंट में रहने दीजिए। अगर अगले दिन आपको और हायर लेवल पर शेयर जाते हुए मिलता है तो और प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास में आपके डीमैट में वो शेयर है पर्टिकुलर, ये हेक्सावेयर है, अगर 8-10% बढ़ जाता है तो 70-80% प्रॉफिट सेम डे बुक कर लीजिए। उसकी वजह क्या है कि अनयूजुअल मूवमेंट मार्केट के अंदर इस तरह के आपको जब भी कभी भी मिलेंगे, जब भी कभी आपको ऐसा अनयूजुअल मूवमेंट मिलेगा अगले दिन, 2-3 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर, ये अनयूजुअल मूवमेंट दोबारा से रिट्रेस जरूर होता है। उसकी वजह यह है कि जो भी लोग इस शेयर के अंदर एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अचानक से मोमेंटम आ गया है, जो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक चली गई है, ये पब्लिक तक जाए, तो इस वजह से वो इसके अंदर एक आर्टिफिशियल गिरावट लाते हैं शेयर के अंदर। आपको हमेशा ये करना चाहिए कि सेम डे के अंदर अगर आपको मोमेंटम मिल गया है बढ़िया 8-10% का, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए 70-80% और बाकी के शेयर्स रखिए, और दोबारा जब शेयर आपको निचले लेवल पर मिलता है तब दोबारा से फिर से फ्रेश बाय कर लीजिएगा। क्वेश्चन, जिन लोगों के पास में ये शेयर नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए? हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि कभी भी ऐसा अनयूजुअल मूवमेंट अगर आ गया है शेयर के अंदर, उसके बाद शेयर में बाय करने के पीछे मत पड़िए उन लेवल्स पर। हमेशा वेट कीजिए शेयर के नीचे आने का। किन लेवल्स का? फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए, लगाइए रिट्रेसमेंट को और जो शेयर का हाईएस्ट हाई लेवल है वहां तक, और रिट्रेसमेंट में मिनिमम 50% के रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, मिनिमम 50% के रिट्रेसमेंट का। जो भी ये मोमेंटम आया है इस मोमेंटम का 50% जब रिट्रेस हो उसके बाद ही कोई फ्रेश बाय करने की कोशिश कीजिए। और अब देखिए आपके सामने एग्जांपल्स, ध्यान से देखिएगा जरा वीमार्ट के शेयर को। अचानक आया हुआ ये मोमेंटम जिसमें शेयर एक तरफा भाग रहा है और आप अगर वेट करते हैं कि शेयर के अंदर आए हुए इस मोमेंटम में ऊपरी स्तरों पर बाय नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मोमेंटम रिट्रेस होता ही है और आमतौर पर मिनिमम 50% तक मोमेंटम रिट्रेस होता है, कई कई बार 61% और कई बार 100% मोमेंटम रिट्रेस हो जाता है। जैसे कि ये आया हुआ मोमेंटम देखिए, या यहां पर आया हुआ मोमेंटम, ओके, आईएन एक्सचेंज, जरा ध्यान से देखिए, रिसेंटली आईएन एक्सचेंज के अंदर मोमेंटम आया है, शेयर एक तरफा भाग रहा है, कहां से? अप्रोक्सीमेटली 370 से 704 डबल हो गया है शेयर। कितने दिनों में? मई से लेकर जुलाई तक के महीने में, सिर्फ 2 महीनों के अंदर शेयर डबल हो गया अपने रेट से। क्वेश्चन, क्या इन लेवल्स पर शेयर को बाय करना चाहिए? आंसर, बिल्कुल भी नहीं। वेट कीजिए, शेयर को थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, कम से कम 50% का रिट्रेसमेंट यानी 537 के पास नहीं आता तब तक फ्रेश बाय मत कीजिए। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ध्यान से देखिएगा ये अप ट्रेंड, देखिए कॉन्टिन्यूअसली अप ट्रेंड है। कहां से गया है शेयर? 400 रुपए से बढ़ता हुआ शेयर पहुंच गया है 586 रुपए। क्वेश्चन, क्या हाईएस्ट लेवल पर शेयर में बाय करना चाहिए? आंसर, बिल्कुल भी नहीं। हाईएस्ट लेवल पर शेयर में कभी भी बाय नहीं करना है, रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, शेयर बिल्कुल नीचे आएगा और जब भी शेयर निचले लेवल्स पर मिलता है तब कीजिए फ्रेश बाय शेयर के अंदर। सेम वही एडीएफ फूड के अंदर, जरा ध्यान से देखिए, यह हमारा रिकमेंडेड शेयर है जिसके अंदर हमने बहुत ही शानदार प्रॉफिट खुद भी बुक किया था, अपने पोर्टफोलियो में भी और जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे उन्हें भी बुक करवाया था। ध्यान से देखिएगा, निचले स्तरों से शेयर अचानक से अप ट्रेंड देता है, 232 से कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ 303 तक। क्या करना है आपको? फ्रेश बाय करना है? बिल्कुल नहीं।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कीजिए, वेट कीजिए 50% तक के आने का, शेयर 50% पर आता है तब फ्रेश बाय कर सकते हैं, आपको देखिए दोबारा से मौका मिलता है। सेम KEI, ध्यान से देखिए आया हुआ ये अप ट्रेंड, वन साइड अप ट्रेंड है, 368 से शेयर 526 तक चला गया। ओके, मोर और लेस ADF के जैसा। क्या शेयर के अंदर इन हायर लेवल्स पर बाय करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। जरा देखिए इस अप ट्रेंड का अप्रॉक्सीमेटली 61% रिट्रेसमेंट शेयर होने के बाद दोबारा आपको मौका देता है निचले स्तरों पर खरीदारी करने के लिए। माइथन एलॉय बहुत ही बढ़िया शेयर, सेम वही चीज, आया हुआ ये अप ट्रेंड जिसके अंदर भी हमारे सब्सक्राइबर्स ने प्रॉफिट बुक किया, बहुत ही बढ़िया शेयर है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग। ये रनअप एक बार खत्म हो गया तो लोग कहने लगे कि क्या सर इसके हाईएस्ट लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? एक तरफ का जो ये रनअप है, इस रनअप के बाद शेयर रिट्रेस करता है और देखिए 61% के आसपास ही आकर शेयर सपोर्ट ले रहा है। मोतीलाल ओसवाल, सेम चीज, ये आया हुआ रनअप जो एक तरफा रनअप है उसके बाद पूरा का पूरा रिट्रेस हो जाता है 100%, इसलिए हायर लेवल्स पर कभी बाय नहीं करना है। कैम्बलिन फाइन, ध्यान से देखिए 3 दिनों के अंदर शेयर 39 रुपए से 63 रुपए, 3 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। क्या बाय करना है फ्रेश? बिल्कुल नहीं, अगेन रिट्रेस हो रहा है शेयर। ग्रासिम, ये रहे ग्रासिम के कुछ बेहतरीन मोमेंट्स, ये मोमेंटम देखिए शेयर का, एक हफ्ते के अंदर शेयर 1129 रुपए से 1287 रुपए पर जाता है। क्या इतने लंबे मोमेंट के बाद में शेयर को बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, शेयर को नीचे आने दीजिए, आता है दोबारा मौका देता है शेयर परचेज करने का। और एट लास्ट एशियन टाइल्स, क्यों हमने कहा था कि जब ये रनअप खत्म हो गया तब कहा कि शेयर में अभी इन लेवल्स पर बाय नहीं करना है, शेयर अगेन 61% तक का रिट्रेसमेंट देता है, रिट्रेसमेंट के बाद ही फ्रेश बाय करना है। सो फ्रेंड्स, ये जो पूरा सेशन था इसके अंदर हमने कवर किया है एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि था कि शेयर के अंदर सडन मूवमेंट्स के बाद क्या करें। इसकी वजह ये थी कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जिन्होंने हायर लेवल पर शेयर किए हैं बाय, जब किसी भी शेयर ने मोमेंटम दिया एक दो दिनों तक 10-15% का, तो उन्होंने उस मोमेंटम के पीछे जाते हुए और शेयर को हायर लेवल पर बाय कर लिया, फिर शेयर नीचे आ गया और 2 महीनों से फंसे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि सर क्या करना चाहिए इसमें, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई दिया हमें उनके बाइंग का। इस वजह से हमें लगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स हमेशा कि जब भी किसी शेयर के अंदर सडन मूव आता है तब आपको इमीडिएटली बाय नहीं करना है। सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो ही आज का हमारा सेशन है कि शेयर में आने वाले सडन मूवमेंट्स में क्या करें, ये न केवल आपको पसंद आएगा बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। भविष्य में इस तरह के वीडियोस आपके और आपके पोर्टफोलियो दोनों की मदद करते रहें, इसी विश्वास के साथ में और इसी चीज़ को एम बनाकर हम लगातार चलाते रहेंगे अपना लर्न टू अर्न सीरीज। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये सेशन न सिर्फ आपको पसंद आएगा बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपको लग रहा है कि शेयर एकेडमी अपने मकसद में थोड़ा बहुत भी कामयाब हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शर्त आपको याद है अच्छी तरह से कि ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग हम नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर थॉरली एनालाइज करते हैं शेयर को, और अगर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर डोनेशन देकर। आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी हमें डोनेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए और हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि हमेशा मार्केट में सीखते रहिए, आपकी मदद करने कोई और नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी इस फाइनेंशियल जंगल में। थैंक यू वेरी मच।